शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तुम जैसे पापी ससुर को मुझसे ज्यादा क्वालिफाइड दामाद नहीं मिलेगा शहर में ससुर जी। चुप, बकवास बंद करो। अर्ज कर रहा हूं मैं, कोई आ रहा है। तुम मुझे जिंदा देखकर बड़ी हैरत हो रही होगी ना तुमको। जिंदा देखकर? हाँ सेठ जी, कल इन्होंने अपने गुंडों के साथ मिलकर मेरी जान लेने की कोशिश की और ये वही गुंडे थे जिन्होंने आप पर और आपकी बेटी पर हमला किया था और उनका सरदार आपके सामने खड़ा। ये झूठ बक रहा है सेठ। जिन गुंडों ने तुम पर हमला किया था वो मेरे आदमी नहीं थे सेठ। उस दिन तुम्हारी गाड़ी नहीं रोकी थी गुंडों ने, मैंने लड़ा उनके साथ। अरे वो सब एक चकमा था सेठ जी, आपकी आंखों में धूल झोंक कर आपका हीरो का हार उड़ाने के लिए। धूल तो ये झोंक रहा है तुम्हारी आंखों के अंदर। एक तरफ तुम्हारा सेक्रेटरी बना हुआ है और दूसरी तरफ तुम्हारे दुश्मनों की मदद करा यार रामजादा। मेरे दुश्मनों की मदद? हाँ, तुम्हारे दुश्मनों की, जो लौंडिया हमारे खिलाफ उजाला अखबार में जहर उगलती है। मैंने अपने आदमियों के जरिए उसे उठवा लिया लेकिन ऐन मौके पे पहुंच गया उस फुलझड़ी को बचाने। उस लड़की को मैं पूना से जानता हूँ सेठ जी। क्या तुम ये नहीं जानते थे कि वो हमारी दुश्मन है? बिल्कुल नहीं जानता था। अच्छी तरह से जानता था, ये उजाला अखबार का जासूस है सेठ। उजाला अखबार से मेरा कोई ताल्लुक नहीं सेठ जी, ये झूठा इल्जाम लगा रहा है मुझ पर क्योंकि मैंने इसकी पोल खोल दी। अरे जा तू, क्या मेरी पोल खोलेगा? अरे जा, 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 खोल प्रकोष्ठ में प्रवेश कर सकता हूँ दुर्लभ जी। कौन है ये जोकर? उजाला अखबार का एडिटर है ये। नमस्कार। अरे साहब क्या मौके पर आए आप, बताइए, आप ही बताइए सेठ जी को, मैं भला उजाला अखबार का आदमी हूँ क्या? आदमी तो आप हैं लेकिन उजाला के नहीं। लो वैसे आपका शुभ नाम जी? मुझे ये सब पहले ये बताओ तुम मेरे घर में आए क्यों? आपको उजाला अखबार का मालिक बनाने के लिए। उजाला अखबार का मालिक और मैं? जी, वो श्रद्धा देवी से अब इस उम्र में कारोबार संभाला नहीं जाता, वो उजाला प्रकाशन बेचकर रिटायर होना चाहती हैं। अगर आप खरीदना चाहें तो मैं सौदा सस्ते में पटा सकता हूँ। जरूर खरीदिए सेठ जी, फिर आपके खिलाफ उस अखबार में कुछ नहीं छपेगा। अजी हम अखबार वाले चाहें तो क्या नहीं कर सकते, आप तो जानते हैं आपकी हराम की कमाई को हम हलाल की कमाई साबित कर देंगे, आपके जुए खाने को मंदिर बना देंगे और आप दोनों धुरंधरों को कर देंगे क्या मतलब धर्मात्मा साबित कर देंगे और क्या। ए, घास लेट में नहाए हुए छुछुंदर, कहीं तू हम दोनों का मजाक तो नहीं उड़ा रहा है? नहीं नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं उस तरह नरेश, मैं आपका मजाक उड़ाऊं तो आप मेरी गर्दन उड़ा देना। सेठ जी मेरी बात का विश्वास कीजिए, इस सौदे से आपको बहुत लाभ होगा। ठीक है ठीक है, शारदा देवी से बातचीत करो। परसों उनके बंगले पर उजाला प्रकाशन का रजत जयंती समारोह है तो देवी का आग्रह है कि आप अवश्य पधारे, बाकी बातें वही तय हो जाएंगी। नमस्कार। मैडम आप है श्रद्धा देवी, ये है श्री धर्मदास जी। नमस्कार। और ये है दुर्लभ जी, इंग्लिश में मिस्टर डिफिकल्ट। ये पार्टी आप ही लोगों के लिए दी गई है। थैंक यू इंडीड। अरे प्रेम बाबू आ गए। अबे ऑन नटवर, ये क्या चक्कर है? तू तो कह रहा था कि ये पार्टी सिर्फ हमारे लिए है लेकिन खास मेहमान तो ये अपंग है। ये पंगा क्यों दिया गया है? ये पार्टी खत्म होने से पहले आप दोनों जान जाएंगे, थोड़ा धीरज रखिए। आप मेरे घर पधारे प्रेम बाबू, मुझे इतनी खुशी है कि मैं बयान नहीं कर सकती। ये श्रद्धा देवी जी है हमारे उजाला पब्लिकेशन की मालकिन। अब आपकी तबीयत कैसी है विजय? पहले से बेहतर है, भगवान करे जिस मकसद से आपने ये पार्टी दी है आज वो चमत्कार भी हो जाए। लीजिए। जोश नहीं, विस्की बॉल विस्की। ये कैसी ठंडी पार्टी है, मैं तो सोच रहा था कि हथौड़ा होगी हथौड़ा। आजी हथौड़े भी पड़ेंगे, थोड़ा पार्टी को आगे चलने दीजिए। पार्टी में जाने से पहले इसे पहन लो। धर्मदास सेठ, वो अंधी के साथ वो लौंडिया देख, वही है जिसने उजाला अखबार में हमारे खिलाफ जहर उगला था। नटवर जी, ये क्या मच रहा है? पार्टी हमारे लिए दी गई है और हमारे दुश्मनों को यहाँ बुला गया। अरे तो चिंता किस बात की सेठ जी, आपका रक्षक भी तो फान पड़ा इस पार्टी में, आपकी सुपुत्री के साथ ललिता डैडी। लली ये हार तुम्हारे हाथ कैसे लगा? सौभाग्य से डैडी। तुम चुप रहो लली, हर तरफ फौरन जल्दी जल्दी। मगर क्यों डैडी? हाँ मगर क्यों डैडी, इसके गले में कोई चोरी का हार तो है नहीं, इस सिटी क्यों गुल है? शुट अप। आज इस पार्टी में कुछ चीजें अपंग लोगों की मदद के लिए नीलाम की जाएंगी, मैं अपनी तरफ से चंद जेवरात पेश कर रही हूँ।
इस नीलाम से जो रकम जमा होगी वो अपंग चैरिटेबल ट्रस्ट को भेंट कर दी जाएगी। आप सबसे भी दरख्वास्त है कि आप दिल खोलकर इस नेक काम में अपना सहयोग दें। क्यों मैम साहब, क्या ख्याल है? दे दे सहयोग, कर दे ये हार नीलाम। करना चाहो तो कर दो, तुम हो मालिक। क्या भक्ति हो, मालिक मैं हूँ जी। अब मैं हूँ सेठ जी, वो उस दिन आपने पटाने का परमिट दिया था। तुम अपनी जबान बंद रखो, समझे? चलो हार दो, हार दो मैं कहता हूँ। एक तो बगैर पूछे हुए हार पहनकर चली आई और ऊपर से नीलाम करना चाहती है। चलो। पर इसमें आपको क्या इतराज हो सकता है डैडी? तुम मेरी लुटिया डबोने पर तैयार हो और मैं एतराज भी ना करूं? एतराज कैसा सेठ जी? आप ले लिया, मैं बोलता हूँ मैडम, इस युवती के गले का हार, आप आई लोगों की सेवा में हाजिर है, सबसे पहले इसे नीलाम किया जाए। चिल्लम जैसा मुंह खोल कर क्या देख रहे हो घोंगा बसंत? जाओ अपनी लौंडिया को पकड़ कर लाओ, वरना इतना कीमती हार हाथ से निकल जाएगा। भाई साहब, ये हार बहुत कीमती है क्या? 10 करोड़ का है। सावधान भाइयों, देवियों और सज्जनों, सावधान। सोच समझ कर बोली लगाइए, सोच समझ कर, पता चला है कि ये हार 10 करोड़ रुपए का है। जी, अरे खुद ही देख लो। ये क्या बकवास कर दी तूने हरामजादे, काट कर रख दूंगा। अरे काटने की बात तो बाद में देखेंगे, अभी पकड़ के दिखा। अरे मैम, एक्सक्यूज मी धर्मदास जी, वो आबनूर हीरो का हार भी 10 करोड़ रुपए का था, कहीं वही हार आपकी बेटी के गले में तो नहीं? नहीं नहीं, वो हार भला मेरी बेटी के गले में कैसे आएगा? ये तो बहुत ही मामूली सा हार है, बहुत ही मामूली सा। अच्छा। सिर्फ 1 लाख रुपए का है। फिर भी भाइयों, ये हार इस सुंदरी के गले तक पहुंचकर करोड़ों का लगता है। इस हार का कारीगर कौन है ये तो सेठ धर्मदास ही जाने। लेकिन ये सुंदरी सेठ जी की कारीगरी है। लगाइए लगाइए, बोली लगाइए, मेरा मतलब इस हार पर बोली लगाइए, सुंदरी पर नहीं। शुरू हो जाइए। 20,000, 22,000, 30,000, 35,000, 40,000, 45,000, 50,000। आगे बढ़िए भाइयों, वरना ये हार 50,000 में चला जाएगा। 50,000 एक, 50,000 दो, 50,000 1 लाख। शाबाश सेठ जी, आप ये हार कैसे छोड़ सकते हो? बाप का माल जो है कोई 1 लाख से आगे बढ़ने वाला? बोलो भाइयों। 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख। कोई 5 लाख से आगे बढ़ने वाला है? कोई माई का लाल जो सेठ धर्मदास को पछाड़ सके? कोई नहीं। 5 लाख 1, 5 लाख 2। ठहरो बाबूजी, अब हीरो का यही है, यही है वो हार। शंकर, जाके मेन स्विच देखो। अरे भाई ललिता, मेरे में क्या कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? एक तो चश्मा। लली बड़ी, तू मेरे पास आ जा। ठीक है ना रवि? मेरा हार कौन ले गया? मेरा हार कौन गया? सबकी तलाशी लो। देखिए कोई बाहर नहीं जाएगा यहाँ से, हार के लिए सबकी तलाशी होगी, कोई बाहर नहीं जाएगा। मेरा हार कहाँ है? घबरा मत, तलाशी हो रही है, बहुत जल्द मिल जाएगा हार। डैडी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, अंधेरे में घर चले गए होंगे, तुम भी चलो। वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। जाने की एक वजह है, आओ मेरे साथ। पता करो वो हार मिल गया कि नहीं। मिलना है तो मिल जाएगा बाबूजी। आपको जबान मिल गई, मुझे 2 जहान की दौलत मिल गई। बस नैना, तुम्हारे सामने विजय के बाबूजी हैं। बहू, तुम इतने दिन हमें कैसे भूल गई? बहू भूली कहाँ बाबूजी, आपके चरण छूने के सौभाग्य को तरस रही थी। आशीर्वाद दीजिए।
जीते रहो बेटी। बेटे बहुत कुछ बताना है बाबूजी। आप घर चलिए, मैं आपको सब बता दूंगा। है ना, मैं बाबूजी को घर छोड़ के आता हूँ। अच्छा, चलिए फिर लौटेंगे ना? हाँ जरूर लौटूंगा। प्रथा शुक्र है गायब नहीं हुआ। ललिता के गले में जरूर नकली हार रहा होगा। क्या हो रहा है धर्मदास? तो ये है आपका धर्म, भगवान की मूर्ति की आड़ में चोरी का माल छुपा रखा है। नहीं, ये चोरी का माल नहीं है, ये मेरा है। हाँ हाँ, तो अभी पता चल जाएगा। अरे ललिता, अरे दौड़ कर इधर आना। तो क्या बात है रवि? अपने डैडी के हाथों में ये हार देखो। अरे ये तो वही हार है जो मेरे गले से चुराया गया था। नहीं बेटी, वो हार नकली था, ये असली है। झूठ मत बोलिए सर जी, आपको कैसे मालूम पड़ा कि वो हार नकली था? इसलिए कि उसे मैंने ही बनवाया। हाँ हाँ, आप कैसे बोले? इसलिए कि उसे आप ही ने बनवाया था। किस लिए बनवाया था? किस मकसद से बनवाया था? नहीं, मैं क्यों बनवाने लगा? लेकिन बेटी वो जो हार तेरे गले में था वो नकली था, और जो तुम्हारे सामने चोर है वो असली हार का मौजूद है। अब तो पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा। अभी फोन करता हूं। नहीं, नहीं, प्लीज पुलिस को फोन मत करो प्लीज। अरे डरना कैसा सेठ जी, हार तो आपका अपना है ना। हाँ तो फिर डरना कैसा? अभी पुलिस, नहीं, नहीं, प्लीज पुलिस को फोन मत करो प्लीज। देखो तुम बहुत अल्ले तक गुस्से को चाहते हो ना। मैं तुम्हारे ससुर बनने वाला हूँ। तुम अपने ससुर को पुलिस में दे दोगे? अरे इससे ससुरे को तो सूली पे चढ़ा देना चाहिए, मगर इस बात का फैसला बाबूजी करेंगे। बाबूजी? कौन बाबूजी? प्रेम बाबू, उन्हीं का बेटा हूं मैं।